ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर नंबर 7 रनिंग में था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये इसका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका बेसिक कंसेप्ट किया था, सेकंड में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 किया। पार्ट नंबर 3 आज एक्सरसाइज 7.3 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 का, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सिंपल सा फॉर्मूला 9p3 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मींस दैट 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 9 बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6, 987 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, 987 को मल्टीप्लाई करें 504। नाउ इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक अल्टरनेट मेथड से करते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेगा, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगता हो। ओके, आपके पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थ्री डिजिट का नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास कितने चॉइसेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 9 चॉइसेस अवेलेबल है। नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वे टू फिल यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को फिल करना है क्या, आप कितने टाइप से फिल कर सकते हो, 9 टाइप से। अब किसी ने कोई एक डिजिट यहां पर फिल कर दी, जैसे 7 कर दिया। अब यहां 7 कर दिया तो यहां आप 7 नहीं भर सकते, क्योंकि डिजिट्स कांट बी रिपीटेड। तो 7 का तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो गया। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज देयर इज अवेलेबल, जैसे यहाँ पर आपके पास अब अवेलेबल है 8 नंबर ऑफ वेज अवेलेबल है। किसी ने और कोई डिजिट भर दी, जैसे 4 डिजिट यहाँ फिल कर दी, तो 4 का भी ऑप्शन खत्म हो गया, डिजिट कांट बी रिपीटेड। यहाँ अब ना 4 लिख सकते हैं ना 7 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितने ऑप्शन अवेलेबल है, नंबर ऑफ वेज 7। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वे टू फिल यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ वे टू फिल टेंथ प्लेस, नंबर ऑफ वे टू फिल हंड्रेड प्लेस, 987। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वे फॉर थ्री डिजिट कितना होगा, 9 × 8 × 7 एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 504। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब देखो इसको मैं विथ फॉर्मूले से नहीं करवाता, विदाउट फॉर्मूले से ही करवाता हूं। फोर डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 एंड 4। नाउ आपके पास डिजिट है अवेलेबल कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और डिजिट होती है 0। अब देखो ये जो आपका 1000 प्लेस है, इसको फिल करने के कितने टाइप है, नंबर ऑफ वे टू फिल 1000 प्लेस, इसको फिल करने के टोटल 9 टाइप्स होंगे। ओके, नाइन टाइप से क्यों, यहाँ टोटल डिजिट्स तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ ए 10 होना चाहिए ना, 10 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जीरो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ जीरो रखा तो मीनिंग ओनली थ्री डिजिट नंबर ही जनरेट होगा, इसीलिए जीरो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं किसी नंबर्स में से कोई एक नंबर फिल कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही आपने इनमें से कोई एक नंबर फिल किया, जैसे 5 कर दिया किसी ने, तो एक चॉइस एंड हो जाएगा। ओके, जैसे 5 मैंने यहाँ फिल किया और डिजिट रिपीट कर नहीं सकते, तो एक चॉइस गई। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ वे टू फिल यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये 4 और ये 5, 5 एंड 4 कितना हो गया 9। एक डिजिट यहाँ पर और कोई फिल हो जाएगी, जैसे किसी ने 9 फिल कर दिया तो ये ऑप्शन गया। अब नंबर ऑफ वे टू फिल टेंथ प्लेस कितना हो जाएगा, 8। अब किसी ने एक और डिजिट भर दिया, जैसे 7 भर दिया, तो ये भी चॉइस गया। अब नंबर ऑफ वे टू फिल हंड्रेड प्लेस कितने चॉइसेस अवेलेबल है, 7। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 987 को मल्टीप्लाई किया 504 और ये रहा 9, ये रहा 9, इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 4536
that will be our final answer. Next, how many three digits even number can be made? Okay, even number और आपको digits दे रखे हैं 1, 2, 3. अब even number कब होगा? जब इसका unit place क्या होगा? Even होना चाहिए, means that 2 से divisible. तो देखो यहाँ fill करने के आपके पास कितने choices available है? 1, 2 and 3. तो number of 8 to fill unit place कितना हो गया? 3. नाउ कोई एक नंबर यहां पर आ जाएगा, नो डिजिट रिपीटेड है, जैसे किसी ने 4 फिल कर दिया यहां पर, तो 4 का ऑप्शन एंड. अब कितने वे अवेलेबल है? 1, 2, 3, 4 and 5. नंबर ऑफ 8 टू फिल 10th प्लेस 5, इसी ने एक और प्लेस फिल कर दिया, 3 भी कैंसिल हो गया, जैसे 3 कर दिया. अब नंबर ऑफ 8 टू फिल 100th प्लेस, कितने नंबर ऑफ 8 प्रेजेंट है? 4. तो टोटल इनको मल्टीप्लाई करें, 5, 4 जा 20, 20 into 3, 16. ओके, तो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं. हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. तो यहां तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्या फॉर्मूला लगेगा? 5p4 फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1, 5, 4, 3, 2, 1. आंसर कितना आया? 120. अब यहां पर आप देखेंगे कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इसमें से इवन कितने हैं? तो इवन के लिए देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया, कितने डिजिट बनाना है? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट बनाना है इवन नंबर के लिए. इसमें से यहाँ पीछे क्या क्या चॉइस अवेलेबल है? 2 and 4, यानी नंबर ऑफ 8 टू फिल यूनिट प्लेस कितना हो गया? 2. अब किसी ने जैसे 2 फिल कर दिया, तो ये ऑप्शन गया 1, 3, 4, 5. नंबर ऑफ 8 टू फिल 10th प्लेस 4, किसी ने और फिल कर दिया, गया 1, 3, 5. नंबर ऑफ 8 टू फिल 10th प्लेस 3 ऑप्शन अवेलेबल, किसी ने एक और फिल कर दिया. अब पीछे कितना अवेलेबल है? 2. तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना हो गया? 48. मींस दैट 48 नंबर क्या होंगे? इवन होंगे. अब कोई ऑड पूछे तो टोटल कितने थे? 120. इवन कितने निकल गए? 48. तो 120 माइनस 48 कर दो, ऑड निकल जाएंगे. चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस, हाउ मेनी वेज टू चूज अ चेयरमैन? देखें, चूज करना है, इस बार सिलेक्शन करना है. एक तो चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का. Assuming 1% can't hold more than one position, means that ऐसा नहीं है किसी एक person को आप क्या कर दो, chairman भी बना दो और vice chairman भी बना दो. Okay, तो क्या होगा? दो persons को select करना है, और select करने के लिए यहाँ पर देखें 8p2 arrangement होगा. क्यों? क्योंकि एक को vice chancellor, vice chairman और एक को chairman. ये just repeat भी हो सकता है, chairman और vice chairman interchange. तो फाइनल क्या होगा? फ्रॉम अ कमिटी 8% चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन आर टू बी चूजन इन सच अ वे दैट वन पर्सन कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन. देयरफॉर एट अ टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स लिए हम लोगों ने? 2. द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे कितना होगा? 8p2. 56 टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको एन फाइंड करना है. तो देखो n माइनस 1 p3 रेशियो का मीनिंग होता है डिवाइड np4 इज इक्वल्स टू 1/9. अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r. तो n माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? n माइनस 4 अपॉन में फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 1/9. फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n. अब फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं? n एक कम किया, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. क्या कहा था मैंने? फैक्टोरियल 5 को 5, 4 जहां मन आए स्टॉप कर दो. तो मैंने n n माइनस 1 पर स्टॉप कर दिया. क्यों? क्योंकि ये कट हो रहा है. तो यहां से 1/n इज इक्वल टू 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू कितनी आई? 9, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा.
इसी टाइप से देखें यहाँ पर आर की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन तो मैंने कर रखा है, आप लोग क्लियर देख ही लेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं करवा देता हूँ। 5PR बोले क्वेश्चन में फिर एक बार फिर से बताएं, तो मतलब वो आपने वो आप हम वो पहले क्वेश्चन में फोर के जैसे नहीं कर सकते क्या उसे? क्वेश्चन नंबर 5 को एक मिनट में लास्ट में डिस्कस करूंगा, वेट करें एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1, और ये कंप्लीट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 को 5 ही रहने देते हैं, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल 5, 6 माइनस आर तो ये माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। अब देखें फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो कट हो गया, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर, 1 कम कीजिए तो 6 माइनस आर, एक और कम करें तो 5 माइनस आर, और इस पर स्टॉप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इससे ये साइड कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अभी जब इसको मैं इधर भेजूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 जब 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर 6 6 12 माइनस 13 आर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6। अब प्लस का 6 अगर इधर भेजें तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप 10th क्लास में सॉल्व करते ही हैं, आर की वैल्यूज आएगी और वो आर की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी मीनिंग इधर उधर हो सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट डे क्लास में कहा था योगेश नाम है जैसे, तो किसी ने बना दिया इन्हीं लेटर्स का यूज करते हुए ओ जी ई वाई एस एच। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है बट तो भी नेम जनरेट हो रहा है, नंबर ऑफ ए फॉर अरेंजमेंट है। तो ये कह रहा है विद और विदाउट मीनिंग, इसका मीनिंग यही है, आपको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि उसका कोई मीनिंग बन भी रहा है या नहीं, बस ये है कि इनसे इक्वेशन वाले लेटर्स का यूज करते हुए आप कितने वर्ड्स बना सकते हो यूजिंग एग्जैक्टली वंस। ओके, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हो। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा 8, सबको सेलेक्ट करना है, 8p8 फैक्टोरियल 8, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 8 का जो वैल्यू है 8 7 6 सबको मल्टीप्लाई कर देना 1 तक, 40,320। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मंडे, ये वाला वर्ड है, इनका यूज लेते हुए एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6p4 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एट अ टाइम कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं 4, तो 6p4 आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2, 6 5 4 3 2 को स्टॉप कर दो, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट, 6 5 जो 30 34 जो 120 120 into 3 360। नेक्स्ट है ऑल लेटर्स यूज्ड, ऑल लेटर्स मीन्स दैट 6p6 फैक्टोरियल 6, टोटल कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके 120 into 6 720 आएगा आंसर। नेक्स्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, इस बार हो गया फॉर्मूला काम नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 ऑल लेटर्स यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर वॉवल ही होना चाहिए, तो यहाँ नंबर ऑफ ए टू फिल दिस लेटर कितना होगा, इसमें से वॉवल कौन कौन से हैं, एक तो ओ है और एक ए है, ये ही फिल कर सकते हो, तो नंबर ऑफ ए टू फिल दिस प्लेस 2। अब किसी ने वॉवल भर दिया ए तो ये ऑप्शन गया, अब नंबर ऑफ ए टू फिल दिस प्लेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, किसी ने एम भर दिया यहाँ पे गया, अब इसको वे 4, ओ भर दिया किसी ने यहाँ गया, अब बाकी बचे 3, एन भर दिया यहाँ बचे 2, वाई भर दिया लास्ट में, तो चांस सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1। फाइनली इन सबको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो आंसर होगा। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लैट मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके टोटल फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ जो है आई कितने टाइम्स आ रखा है, फोर टाइम्स। एस कितने टाइम्स आ रखा है इस लेटर में, फोर टाइम्स। पी कितने टाइम्स आ रखा है, टू टाइम्स। ओके, तो हम लोग इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 11, क्योंकि इसमें टोटल 11 लेटर है, अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। ये तो है इसके टोटल नंबर ऑफ ए, कितने आ गए 34,650। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आई कम टुगेदर का फाइंड करेंगे कि भाई सभी आई एक साथ आते हो, 1, 2, 3, 4, क्योंकि जब भी नॉट का आएगा ना हमेशा आपको साथ में निकालने का करना है, और टोटल में से जब ये अलोंग आते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी बचा हुआ आंसर आएगा। तो चारों आई एक साथ ले लिए तो अब पीछे कौन बचे, एम एस 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 पी पी, बस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अब जब भी ये फोर आई कम टुगेदर आते हैं, कम टुगेदर कर लिया मीन्स दैट इसको फोर सेलेक्ट नहीं करोगे, ये पूरा आपका वन पेयर ही है, ओनली इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, वन। नेक्स्ट डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल लेटर्स कितने होंगे, 8। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से, अब देखेंगे इस बार एस की रिपीटेशन कितने टाइम है, 4 टाइम्स, तो डिवाइड किसका जाएगा, फैक्टोरियल 4 का, क्योंकि इसको तो हम एक पेयर सेलेक्ट कर चुके हैं, इसको मत देखना। पी कितने टाइम, 2 टाइम। तो जब भी चारों के चारों आई एक साथ आएंगे तो ये रिक्वायर्ड अरेंजमेंट रहेंगे, और इसका आंसर है 840। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल 34,650 में से जब चारों आई साथ हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा कि जब आई चारों के चारों साथ में नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 परमुटेशन वर्ड है, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट वन है कि अरेंजमेंट निकाले, वर्ड स्टार्ट विथ पी और एंड विथ एस हो, तो स्टार्ट पी से ही करना है, एंड एस से ही करना है, तो अब यानी बीच वाले चेंज हो सकते हैं। तो अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने पड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फैक्टोरियल 10। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ना तो 10p10 वाला लगा रहा हूँ, ना 10⁻¹⁰ वाला लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो टी जो है रिपीट मार रहा है 2 टाइम, इसीलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 होगा। टोटल 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक ऐसे वर्ड्स जिसमें डायरेक्टली सबके सब डिफरेंट डिफरेंट हो, 2 केस बनते हैं, रिपीटिशन नॉट रिपीटिशन, और एक ऐसे वर्ड जिसमें लेटर्स रिपीट मार रहे हो खुद ही, तो ये फॉर्मूला लगता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था उस टाइम मैथमेटिक्स वाला। तो टोटल कितना है, 18,14,400। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, यानी सभी वॉवल्स को टुगेदर करते हैं, तो एक तो ई यू ए टी, सॉरी टी वॉवल नहीं है, आई ओ ई यू ए आई ओ, ये सारे आ गए साथ में, बाकी कौन कौन बचे, पी आर एम टी टी एन एस। अब सभी लेटर्स साथ में है, सभी वॉवल साथ में है, तो इनको अरेंजमेंट करने के कितने टाइप होंगे, फैक्टोरियल 5। फॉर्मूला कौन सा होगा, 5p5। जबकि इनको अरेंजमेंट करने के कितने टाइप हो सकते हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये सारे के सारे साथ में है, तो इनको एक कंबाइंड काउंट करेंगे, 1, 8। तो टोटल फैक्टोरियल 8 अपॉन इसमें से टी 2 बार रिपीट मार रहा है, फैक्टोरियल 2। तो इन दोनों का अरेंजमेंट लेंगे और दोनों केसेस को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 5, 24,19,200 टाइम्स लिख सकते हैं। इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट है जो कि आप देखेंगे और समझ के करेंगे। ओके, वेट करें एक मिनट।